Hello friends, we are back with a special segment and today we have with us the beautiful actress Aparna Dixit from Ye Dil Sun Raha Hai, sharing her journey in the television industry. Let's hear it from her. Actually, मुझे इंडस्ट्री में लाया गया है क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी 2 साल पहले मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था, मुझे अभी भी याद है, और मुझे सडनली एक फ़ोन आया और मैं ऐसे ही नॉर्मली कॉलेज आई वॉज इन द हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हम बहुत मज़े करते थे और एक दूसरे से बहुत पंगा भी लेते थे। तो सडनली मुझे फ़ोन आया कि हाँ आपको ऑडिशन करना है, हमने आपकी पिक्चर्स देखी है कहीं पर, और हम मतलब कोई बंदा था जो बालाजी के लिए कास्टिंग कर रहा था। अभी दिल्ली में कैसा होता है दैट यू हैव नो क्लू कि कास्टिंग क्या होती है, मतलब यू जस्ट वॉच टीवी कि अच्छा हाँ कोई दो लोग आ रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं सिनेमा में, बट तुम्हें पता नहीं होता कि जाना कैसे है। तो मुझे लगा कि यार इतनी सब लोग को छोड़ के कोई मुझे क्यों फ़ोन करेगा एब्रप्टली कि आपको लेना है, ऐसा तो मैं कुछ बहुत वो भी नहीं हूँ और मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो फिर मुझे लगा कि कोई पंगा ले रहा है, मतलब वहाँ पे एक ऐसे लड़के वड़के फ़ोन करते रहते थे, तो मैंने कहा ज़रूर कोई पंगा ले रहा है। मैंने उसको फ़ोन काट दिया और मैंने मतलब उसको कुछ नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट डे वापस से फ़ोन आया मेरी एक फ्रेंड का कि कोई बंदा है उसने तुम्हारा नंबर लिया है, कॉमन फ्रेंड था वो, एंड ही इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर इन दिल्ली एंड ही कास्ट फॉर बालाजी एंड अदर प्रोडक्शन हाउसेज ऑल्सो। तो फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा सीरियस है। फिर उस बंदे ने वापस कॉल किया और मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने बोला मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो मैंने बोला अच्छा इतना ही है तो आप किसी और से फ़ोन करवाइए और मुझे तो पता भी नहीं है, आपका नाम तो गूगल पे भी नहीं है। तो बहुत ही फनी था क्योंकि सेकेंड ईयर में एक तो मैं बहुत ही बचकानी हूँ और मेरे फ्रेंड्स और हम लोग इतना एक दूसरे से ये सब करते रहते हैं ना कॉलेज में कि आधा टाइम तो लगता है कि कोई प्रैंक खेल रहा है, तो मुझे लगा प्रैंक कॉल है। उसके बाद उन्होंने एक्चुअली मैं बालाजी में देयर वाज वन क्रिएटिव जो मेरा अभी बहुत अच्छा फ्रेंड है उससे फ़ोन करवाया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये सच में कोई प्रैंक कॉल कर रहा है लड़का तो मैं इसको मम्मी पापा के बारे में बोलती हूँ तो ज़रूर डर के फिर नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर इतना सीरियस है तो आप मेरे मॉम डैड से बात कर लीजिए, एंड ही अग्रीड, वो मान गया, उसने बोला ठीक है अपनी मम्मी का नंबर दो। तो मैंने मम्मी का नंबर दिया, उन्होंने मम्मी से बात कर ली, फाइनली मम्मी ने मुझे बोला कि माय मॉम इज़ वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है, उनको ऐसा लगता है कि तुम्हें जो करना है लाइफ में सब एक एक बार ट्राई कर लो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जाओ ऑडिशन दो जाकर। तो मैं गई वहाँ दिल्ली में, मैंने ऑडिशन दिया, बहुत ही मुझे कुछ नहीं आता था, ऐसे चांस टाइप ओवर एक्टिंग टाइप ऑफ ऑडिशन और मैंने देखा भी नहीं, और मैं नॉर्मल सिंपल सा सूट पहन के गई थी कॉलेज में जैसे रहते हैं, नो मेकअप ओनली काजल दैट्स इट। उसके थोड़ी दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आपका फाइनल लुक टेस्ट होना है मुंबई में, और मैं तब तक कभी मुंबई नहीं आई थी एंड मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रही थी तो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। तो मैंने उनको बोला मैं नहीं आ सकती, तो उन लोगों ने बोला कि मॉम से, फिर उन्होंने मॉम से बात की एंड समहाउ उन्होंने मॉम को कन्विंस कर लिया। फिर मेरी मॉम इतनी एक्साइटेड हो गई और मेरे डैड भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम मतलब माँ बेटी एक ट्रिप टाइप ही कराओ मुंबई, ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रिप। तो फिर हम लोग आ गए और मैं बस यही सोच के आई थी कि मैं मुंबई जा रही हूँ मम्मी के साथ और मैं मज़े करके आऊँगी। फिर मैं इधर आई, मैंने दिया वो लुक टेस्ट, इट वॉज़ फॉर सम चैनल और वो शो कभी आया नहीं अभी तक, और दो कुछ ऐसा था कि आई वॉज कास्टेड ऑलमोस्ट एंड देन फिर मैं वापस दिल्ली आ गई। उसके बाद मेरा कॉलेज चलता रहा, फिर मुझे एक दो शोज़ बालाजी के लिए फ़ोन आया, फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था और मैंने कहा कि आप लोग तो पहले भी बुलाया था तब तो आपने तो ऐसे ऐसे बहुत फ़नी था। उसके बाद थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद मेरे डैड ने मुझे पूछा कि आगे क्या करना है, तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने सोचा, और मैंने 3 साल इतनी पढ़ाई किया ना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई थी, मतलब फिजिक्स ऑनर्स में 3 साल पढ़ाई और वही कॉलेज और जाना आना, मतलब बहुत मोनोटोनस हो गई थी लाइफ। तो मैंने उनको बोला कि लेट मी गो टू मुंबई एक बार, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे मेरा फ्रेंड था वो जो कि मेरा फ्रेंड बन गया था, उसने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब उसने बोला जस्ट गिव ऑडिशंस, तो मैंने कहा ऑडिशन मैं तो नहीं दूँगी बट उसने बोला अरे नहीं, मतलब फिर वो मुझे ऑडिशन बोलते नहीं था, बोलता था लुक टेस्ट है, क्योंकि मुझे ऑडिशन के नाम से ऐसा अजीब सा लगता था। तो मैं सब मतलब इनिशियली मैंने ऑडिशन लुक टेस्ट समझ के दिया है कि फाइनल है और ये है और वो है। फिर आई जस्ट गिव 3-4 ऑडिशंस एंड देन बालाजी से पवित्र रिश्ता में एक कैरेक्टर आने वाला था गौरी का, उसके लिए आई वॉज कॉल्ड और ऑलमोस्ट फाइनल कि उस पर था, बट देन आई रिटर्न बैक टू दिल्ली, मैं दिल्ली चली गई क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे बुला रहे थे, तब तक 1 महीना हो गया था। उसके बाद फिर वो गौरी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उसका शूट नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट था। फिर मुझे महाभारत से कॉल आया था, उन्होंने वहाँ पर मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, उन्होंने पता नहीं मेरा ऑडिशन कहीं देखा होगा और उन्होंने मुझे बुला लिया एंड आई वॉज कास्टेड एज अंबिका। उसका भी 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगा ये सारे मुंबई वाले ना झूठे फ़ोन करते हैं, ऐसी झूठ में बोलते हैं, हम बालाजी से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, सब झूठे हैं।
और फिर मैंने MBA की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिर मुझे सडनली फोन आया कि आपका कल से शूट स्टार्ट है महाभारत का, जो कि उमरगांव में शूट होना था। एक तो मुझे दिल्ली में पता नहीं कि उमरगांव नाम की कोई जगह भी है कि नहीं, तो मुझे पूरा प्लान था कि इतने दिन से सब कुछ किडनैपिंग टाइप का कुछ चल रहा है और कुछ होने वाला है। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, फिर काफ़ी कुछ बहुत ही फनी इंसिडेंट्स होते रहे। फिर फाइनली उस नेक्स्ट डे मैं नहीं गई, उसके एक हफ्ते बाद मैं वहाँ गई और शूट स्टार्ट हो गया। फिर मैंने अंबिका किया एक डेढ़ महीने, उसके बाद तब तक मुझे पता चल गया था कि नहीं, मतलब चीज़ें होती हैं और सब सच है। उसके बाद बालाजी में मुझे पवित्रता के लिए फ़ोन आ गया और मानसी किया मैंने। दैट वॉज द बेस्ट, मतलब बेस्ट थिंग दैट इज़ हैपन टू मी कि आई वॉज चोजन फॉर मानसी। मुझे लगता है कि थैंक गॉड कि मैं गौरी के लिए नहीं, मानसी के लिए सिलेक्ट हुई। समहाउ टाइमिंग भगवान ने ऐसा मैच कर दिया, क्योंकि जो मानसी है वो मेरे दिल के इतने करीब है कि अभी भी, मतलब अंकिता को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सच में ऐसी बड़ी बहन टाइप फीलिंग आती है। उसकी पूरी कास्ट से मैं इतनी कनेक्टेड हूँ, मतलब पवित्र रिश्ता हैज़ बीन द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ। उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और फिर माई जर्नी स्टार्टेड, आई वॉज अ न्यू एक्टर, मुझे कुछ करना नहीं आता था। मुझे अभी भी याद है कि अंकिता को जब मैं देखती थी एक्टिंग करते हुए फर्स्ट सेकंड डे, तो सब लोगों ने ना बहुत मुझसे बोल रखा था वो बहुत एटीट्यूड वाली है और यू नो ऐसे और वैसे है, तो मैं उनसे बात ही नहीं करती थी, उनसे मैं वहाँ से खिसक लेती थी। फिर और सीन्स में ऐसा होता था मुझे समझ नहीं आता था क्या करूँ, वो सामने मैं उनको ऐसे देखती रहती थी और कट जाता था शॉर्ट कि रिएक्ट, मैं नम, आई एक्चुअली मुझे याद है मैं पूरी नम हो जाती थी, मेरे रिएक्शन नहीं निकलते थे। फिर मैं एक दिन उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि आप तो इतना नेचुरल अभी मैं याद करती हूँ, क्योंकि अभी मैं उनसे इतनी चिल्ड आउट हूँ, तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि पता नहीं क्यों मैं इतना डरती थी उनसे। फिर मैंने जब पहली बार उनसे बात की, उसके बाद से तो सब नॉर्मल हो गया। एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स एनी वन कैन हैव, मतलब शी रियली हेल्प। अब मैं ही नहीं, और जो लोगों को मैं देखती हूँ, जो हमारे और कास्ट थी, बहुत ही हेल्पिंग और एक उस लेवल का को एक्टर कैसे तुम्हारे एक नए एक्टर को हेल्प कर सकते हैं, मैंने उनसे सीखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई बहुत थोड़ी बड़ी बन जाऊंगी तो मैं हमेशा ऐसे हेल्प क्या करूंगी सबकी एक्टिंग वाइज। और उसके बाद धीरे पवित्र चलता रहा एक साल तक। फिर धीरे धीरे करके और ऑडिशन, मैंने एक भी ऑडिशन नहीं दिया पवित्र से मिलने के बाद। आई वॉज सो सैटिस्फाइड कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस मैं तो इसमें खुश हूँ। तो लोग ट्राई करते रहते, मैंने नहीं ट्राई किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट मेरी आशिकी तुमसे ही, कैमियो रोल था उसमें, तो मुझे नहीं पता था कैमियो क्या होता है कैसे होता है, तो मैंने मना कर दिया था। उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि ऊपर से बोला गया है ऐसे, तो फिर मुझे लालच आ गया कि चलो किसी ने मुझे देख। उस टाइम तक मुझे लगता था मानसी मतलब थोड़ी ना पता होगा, ठीक है कोई मानसी टाइप्स, पर देन मुझे पता चला कि नहीं, सब देख रहे हैं, सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। और इस बीच में वो जो लोगों को पहचानने वाली फीलिंग होती है कि कहीं जा रहे हो लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम हो रही थी मेरे साथ। तो आई वॉज एट द टॉप ऑफ, मतलब मुझे मानसी अभी भी सोच के ऐसा लगता है कि वो मेरा लीड था टाइप्स। बट फिर मेरी आशिकी मिला, फिर मैं मेरी आशिकी तुमसे ही और पवित्रता एक साथ कर रही थी। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता था, पर एक वो सलमान खान वाली जो किक होती है ना वो मिलती थी मुझे कि ओ मैं दो शोज एक साथ इतनी मेहनत से कर रही हूँ। जब तक दोनों बन नहीं हो पाए थे, मतलब दोनों में मेरा रोल बन नहीं हुआ था, तब तक आई गॉट ये दिल सुन रहा है, मुझे फ़ोन आया कि आपका लुक टेस्ट करना है। आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन मेरा लुक टेस्ट था, मैं सुबह 8:30 से पवित्र रिश्ता शूट कर रही थी शाम के रात के 10:30 तक कॉन्स्टेंटली, और मेरा लुक टेस्ट हुआ था 2:00 और नेक्स्ट डे फिर मुझे 8:30 आना था। तो मैं इतनी थकी हुई और पूरा ऐसे बुरी हालत में मैंने उसका लुक टेस्ट फाइनल दिया था। बट हो गया भगवान जी और बालाजी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बालाजी हैज़ सम यू नो सम स्पेशल थिंग फॉर मी, आई हैव सम स्पेशल थिंग फॉर बालाजी, क्योंकि मतलब इतनी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं और मुझे इतनी हैप्पीनेस दे जाती हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई एम रियली रियली हैप्पी कि आई एम स्टिल डूइंग अ शो फॉर बालाजी, एंड आई वॉन्ट कि मैं आगे भी बालाजी के साथ कनेक्टेड रहूँ हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि जो फील है ना जब मैं शूट करने आती हूँ हर सुबह, द मोमेंट मैं एंटर करती हूँ मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ इन वर्ड्स, इट्स अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग। ड्रीम रोल, देर आर अ लॉट ऑफ ड्रीम रोल्स एक्चुअली। आई वॉन्ट कि मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके के रोल प्ले करूँ। एक तो माई फेवरेट जब वी मेट करीना कपूर, मतलब आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट फिल्म और मैं अभी भी देखती रहती हूँ। अगर कभी मेरा मूड खराब होता है कुछ होता है तो मैं अपने फ़ोन पर जब वी मेट के सीरीज देखती रहती हूँ। यहाँ पर सब लोग मुझे बोलते हैं तो बिल्कुल पागल है,
पहली बार मैं मेरे मॉम डैड मुंबई आए थे आफ्टर मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके थे पवित्र रिश्ता करते हुए. मेरे मॉम डैड पहली बार मुंबई आए थे एक साथ और तो मैं उनको जुहू बीच लेके गई थी. तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता था कि जुहू में कोई पहचान लेगा. मैं वहाँ गई और मेरे डैड एकदम मेरे साइड में खड़े हैं एंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बहुत सारी लड़कियाँ एक साथ आई और मेरे डैड खड़े मेरी मॉम खड़ी है और वो आई उन्होंने बोला आप मानसी हो ना. पहले तो मैं मतलब मुझे पता चल गया था कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मैं ऐसे थोड़ी कॉर्नर ऑफ द आईज देख रही थी कि आई नो यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट मी. उसके बाद वो लोग आए तो मैंने बहुत ही कामली उनसे या हाँ मैं मानसी हूँ और अंदर से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ओ माय गॉड थैंक यू कि तुमने मुझे पहचान लिया. मेरे पापा यहाँ खड़े हैं पर उन लोगों के सामने तो मैं एकदम हाँ मैं मानसी हूँ. उसके बाद उन्होंने पिक्चर्स क्लिक की मेरे ऑटोग्राफ्स लिए और कहीं से वो दे वर नॉट फ्रॉम मुंबई कहीं और से थे तो मुझे लगा ऐसे भगवान जी की टाइमिंग कितनी अच्छी है और मेरे डैड एकदम ऐसे प्राउड हो रहे थे मेरे ऊपर. दैट वॉज द बेस्ट फैन एनकाउंटर दैट आई हैव हैड एंड उससे बेटर टाइमिंग नहीं हो सकती. उसके बाद मुझे ऐसा था कि ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम किन के लिए कर रहे हो ये चीज़ें अपने फैमिली के लिए. तो जब उनको ऐसे प्राउड फील होता है तो हमें लगता है कि सब ठीक है सब अच्छा हो रहा है. बहुत बहुत हाथ रहा है आप सब लोगों का क्योंकि एक शो पवित्र जिसमें इतने सारे एक्टर्स इतने सारे स्टार्स हैं उसमें मुझे अलग से देखना रिकग्नाइज करना मुझे इतना पसंद करना ये लाइक आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल एंड आई होप कि मैं आगे भी ऐसे ही आप सब लोगों को पसंद आती रहूँ. आई एम ट्राइंग अभी ये दिल सुन रहा है चल रहा है इसमें आई एम टोटली डिफरेंट जैसे मैं पहले रोज किया है. मैंने बहुत ही ऐसे चुप चुप रहने वाले अभी एकदम डिफरेंट है. मैं इसमें बहुत बोलती हूँ बहुत लड़ती हूँ पूरा टाइम गुस्सा ही करती रहती हूँ. तो आई होप आपको पसंद आए एंड यू कीप फॉलोइंग मी यू कीप वॉचिंग मी एंड दैट्स इट. If you have enjoyed the segment, we'll be back with more such segments. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Aparna Dikshit. Keep watching India Forums and subscribe to WhatsApp TV.